अ वे ऑफ लाइफ, मैं कितना भी एम्फेसिस दूं तो कम होगा, इम्पॉर्टेंट, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। लास्ट टाइम के पेपर में आई थिंक आया हुआ था अर्बन सोशियोलॉजी के, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों, पता नहीं थिंकर्स को, सॉरी थिंकर्स बोल रही हूँ, इग्नू में लोगों को बहुत पसंद है या इससे कुछ प्रकार का प्रेम है, इसको बार बार रिपीट करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, 500 वर्ड का लिखने का इसमें कुछ है भी नहीं, लेकिन स्टिल आता है तो पढ़ा देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा कि शिकागो स्कूल क्या था, फिर लुईस पियर्स शिकागो स्कूल से थे, तब उनकी थ्योरी करिएगा, तब जाके 500 वर्ड का होगा, ऐसे इंडिविजुअली 500 वर्ड का नहीं है। तो देखिए, जैसे सोशोलॉजिस्ट फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में थ्योरीज अपनी बना रहे थे सिटी पे, और बता रहे थे कि किस तरीके का जो शहरी इन्वायरमेंट होता है या शहरी जो वातावरण होता है वो होता है। और इसी तरीके से इन्होंने भी एम्फेसिस दिया कि किस तरीके से शहरों में एक एलिनेटिंग एस्पेक्ट है, जिस तरीके से कार्ल मार्क्स बात करते हैं ना कि लोग अकेले पड़ जाते हैं, उसी तरीके का ये भी बात करते हैं। उसके बाद लुईस विर्थ जो थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दिया, सोशल एस्पेक्ट ऑफ अर्बनिज्म। इन्होंने सिर्फ सोशल, सामाजिक जो जीवन था, शहरी सामाजिक शहरी जीवन था, उसके ऊपर फोकस किया। और उन्होंने सोशल एक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि परमानेंट जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, अरे मतलब इतना डिटेल में मत जाइए, पहले समझिए सिंपल सी बात। इन्होंने बोला कि जो शहर होता है वो एक तरीके का परमानेंट सेटलमेंट होता है, जहाँ पे हेट्रोजेनियस इंडिविजुअल रहते हैं। होमोजेनियस या होमोजेनियस जो होते हैं उसका मतलब क्या, एक समान के। हेट्रोजेनियस अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मतलब पैसा कमाने वाले, मतलब विविधता होती है समाज में, ठीक है। अगर इनकी हम थ्योरी अर्बनिज्म की बात करें तो ये बिलीव करते हैं कि जितना लार्ज और डेंस होता जाएगा मतलब शहर का पॉपुलेशन, उतना हेट्रोजिनस भी होता जाएगा। मान लीजिए कि एक शहर का हम एग्जांपल लेते हैं, मैं शहर के लिए पता नहीं क्यों ये सब ड्रॉ कर रही, बट फिर भी एक शहर का एग्जांपल लेते हैं जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही। अब जितनी इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जितनी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोग होते जाएंगे नंबर्स में, उतना ज़्यादा ये हेट्रोजिनस होता जाए, उतनी विविधता आती जाएगी ना। अब मान लीजिए कि दिल्ली के हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या दिल्ली में सिर्फ यूपी के लोग रहते हैं? नहीं, मुंबई के रह रहे होंगे, किसी शहरों के, बहुत छोटे छोटे गांवों से, बहुत अलग अलग राज्यों के भी रह रहे हैं। और उतना जितना ये हेट्रोजेनस होगा, जितना इसमें पॉपुलेशन बढ़ेगा, उतनी इसकी लाइफस्टाइल जो होगी वो अर्बनाइज हो जाएगी, यानी शहरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, ठीक है, ये कहने की बात करें। मेजर इनकी थ्योरी यही है, इतनी सिंपल, बट आगे भी चीजें हैं। तो बेसिकली इनका प्रिंसिपल थ्योरी क्या हुआ कि जितना पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, उतना पॉपुलेशन हेट्रोजिनिटी उसमें बढ़ेगी, यानी उतनी विविधता वहाँ के पॉपुलेशन में आती जाएगी, ठीक है। तो इनका व्यू क्या था कि सिटी की जो हेट्रोजिनिटी है, यानी विविधता जो सिटी में आती है, लार्ज साइज, हाई डेंसिटी, सेकुलर होता जाता है वहाँ का एटमोसफेयर, और पीपल जो हैं वो एक तरीके से दूसरों से अलग रहने का या रिचर लाइफ रहने में ज़्यादा मतलब वो करते हैं। मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि शहर में किसके पास टाइम है कि आपके साथ बैठ के फेस पे 10 घंटे बात कर रहा है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सब बिजी हैं। सिमिलर सिचुएशन की बात वो कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि, सिटी को बताया है कि एक परमानेंट सेटलमेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन का एक परमानेंट सेटलमेंट है, जहाँ पे परमानेंट आप समझते होंगे ना, हमेशा के लिए सेटलमेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन का, जहाँ पे हाई डेंसिटी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा विविधता होती है। और इसी की वजह से, ज़्यादा विविधता होने की वजह से न्यू कल्चर आता है। मान लीजिए कि 10 राज्यों के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन 10 कल्चर्स का मिलकर कुछ एक नया कल्चर तो बनेगा ही ना। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी रिलेशन होता है। प्राइमरी रिलेशन जो है वो आपको शहरों में फेस टू फेस इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना, इन सब पे होता है। सेकेंडरी रिलेशन में उतना फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं, मतलब नहीं होता है, लोग इतना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं नहीं है, बातचीत नहीं करते। उसके बाद रोल्स भी हमारे हैं वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मैं ये रोल वाला जो पार्ट है उसको आगे एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप बस समझते जाइए। लोग इतना एक दूसरे को जानते नहीं, बहुत रेयर होगा कि आप सिटीज़ में रहते हो और आप सारे पड़ोसियों को जानते होंगे। कुछ एरियाज़ होंगे जो एक्सेप्शन होंगे, बट ना मोस्टली एरियाज़ में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, आइसोलेशन, लोग अकेले पड़ जाते हैं। अगर कोई लड़का पढ़ने के लिए शहर में आया है, जॉब करने के लिए आया है, चाहे इवन फैमिलीज, तो एक प्रकार ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत फ्रेंड्स बना लें। और बहुत ही रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो काम से काम रखने वाले रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एब्सेंट होता है।
आप शहर में क्या कर रहे हैं वो आप इतना सोच समझ के नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप कल को गांव में फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कपड़ा पहन जा रहे हैं थोड़ा मॉडर्न हो, तो लोग आपके घर में चाहे आसपास के लोग कहेंगे अरे यार बाहर जाओगे ऐसे, कोई कुछ क्या कहेगा, या कुछ भी आप करने जाए जो डिफरेंट हो। लेकिन शहरों में ऐसा सोशल कंट्रोल नहीं होता, कोई कुछ भी करे किसी को उतना मतलब नहीं होती, ठीक है। और ये भी बात करते हैं कि फैमिली से जो टाइज है, जो फैमिली से हमारा कमिटमेंट या लव जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, एंड इंडिविजुअलिस्टिक कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, यानी एक दूसरे से, एक पर्सन अपना सक्सेस प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद अ न्यू फॉर्म ऑफ ह्यूमन हम बिहेवियर भी शहरों में देख रहे हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें नई ही हैं, पहले गाँव में ये सब चीज़ें नहीं होती। ओके, तो हिज आइडिया दैट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट और अर्बन एरिया मेक्स अ लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन प्राइमरी रिलेशन। वो बात करते हैं कि जो गांव में पहले शहरों में जो हुआ, गांव में जो पहले रिलेशन हुआ होता था वो प्राइमरी पे था, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, मिलना जुलना, ये सब हाल चाल जानना, बट वो सब इतना नहीं होता। जो अर्बनाइट्स है यानी अर्बन जो लोग हैं वो बहुत ही रीज़न मतलब बेस्ड, अगर मान लीजिए कोई फेस्ट है तो आसपास आपने मिल लिए, या बहुत ही कम रीजंस की वजह से हो गया। इनकाउंटर भी जो है वो लिमिटेड है कि आप कितने बार अपने पड़ोसी से मिल रहे हैं, गांव में हैं आप पड़ोसी घर पे जाकर चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, बट ये चीज़ें आपको बहुत लिमिटेड देखेंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि उसके खुद के रोल्स जो है ना वो बहुत सारे हैं एक पर्सन का। तो इसी के बाद की कही है रोल फ्रेगमेंटेशन एंड लिमिटेड इंटीग्रेशन अमॉन्ग डिफरेंट रोल्स। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे। ये बात करते हैं, मान लीजिए कि रोल फ्रेगमेंटेशन है और लिमिटेड इंटीग्रेशन है अमॉन्ग डिफरेंट रोल्स। आप किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, आपकी शायद हॉबी ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। अब आप देखिए तो गांव में इतना ज़्यादा डिफरेंट लेवल के रोल नहीं हो सकते थे, एज अ सीईओ, एज अ मैनेजर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मतलब पीपल से जो मीटिंग होगी उसमें आपके रोल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके हर जगह रोल डिफरेंट है, हाँ, और आप ऑफिस जा रहे हैं वहाँ सीईओ का रोल प्ले कर रहे हैं, टफ इन ऑल आपके फेस पे और एकदम लीडरशिप वाला, कुछ लोगों से आपको बहुत ज़्यादा उस तरीके से बात करना पड़ता है प्रेशर डाल के, इस टाइप का। घर पे आ रहे हैं तो आपकी वाइफ भी वर्क करके आ रही हैं और हस्बैंड का रोल है वो भी बहुत डिफिकल्ट है, देन आपको ट्रैवलिंग पसंद है उसका उतना मौका नहीं मिला। एक जनरल मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट रोल एक ही पर्सन का जिसमें कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, आपके ऑफिस के प्रेशर की वजह से आप अपनी हॉबीज़ ट्रैवलिंग या कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपको एलिनेशन एक एक चीज़ों से दूर लेके जाता है, ठीक है। और यही रीज़न है, ये बात करते हैं कि शहरों में सोशल पैथोलॉजीज मतलब यानी सोशल पैथोलॉजीज जैसे कि क्राइम, सुसाइड या मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा कतलेआम टाइप का मचा हुआ है शहरों में, लोग आत्महत्या जैसी उस पर वो करते हैं और कई प्रकार की मानसिक समस्याएं शहरों में आ गई हैं, बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर इतना इंटीग्रेटेड नहीं है। आपका जो बातचीत भी है वो बहुत लिमिटेड लोगों से हो रहा है, बस उतना ही बातचीत हो रहा है जितना आपके काम के लिए आवश्यक है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनकी थ्योरी, तो बहुत छोटी है। उसके बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, उसकी बात करते हैं कि इतनी भीड़ है स्टिल, एक राहत फ़तेह अली खान का है ना गाना कि कहने को अपने साथ एक दुनिया चलती है, पर यू नो अल्टीमेटली हम सब अकेले हैं, वही वाला सिचुएशन आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, इतना क्राउडेड प्लेसेस हैं, बट ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल कम है। आप कितनी बार मेट्रो में लोगों से बात करते होंगे, अगर आप दिल्ली के हैं तो, या मुंबई के हैं तो लोकल ट्रेन्स में नहीं करते होंगे, बहुत कम करते होंगे। उसके बाद यानी इनका जो मेन एम था कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो प्रिंसिपल बेसिस ऑफ अर्बनाइजेशन का, मतलब जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी डेंसिटी उसकी, उतना एक एरिया अर्बनाइज होता जाएगा, वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन उतना कम होता जाएगा, ठीक है, कि लोगों का बातचीत एक दूसरे से करना। उसके बाद जो नेचर है सिटीज़ का अगर हम बात करें तो वहाँ पे एथनिसिटी, कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर या जनरल लाइफस्टाइल की भी बात करें वो बहुत हेट्रोजेनस। अब हर लोग, हर पर्सन जो है वो अलग एथनिसिटी से आया है, कोई बंगाली है, कोई उत्तराखंडी है, कोई पंजाबी है, कोई बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेशी है, तो सब लोग अलग अलग एथनिसिटी, अलग कल्चर से आए हैं, एक अलग प्रकार के समाज से आए हैं या उनकी लाइफस्टाइल अलग है, जो कि बहुत ही हेट्रोजेनस नेचर क्रिएट करता है
शहरों में एक विविधता वाला समाज बनाता है, ठीक है। और इसी वजह से इतना एकता ना होने की वजह से या एक जैसा विचारधारा ना होने की वजह से इनोमिक क्वालिटी बहुत है अर्बन लाइफ में। मतलब इनोमिक मतलब यहाँ पे क्राइम्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में उतना प्रेम नहीं है, सब एक दूसरे से डिस्टेंट है, कोई एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है। तो किसी का पर्स छीनने में उतना दुख नहीं होगा। गाँव में भाई वो ममेरा भाई लगता है, वो चचेरा चाचा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो एक फीलिंग होगा। मतलब बेसिकली कहना ये चाहते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि जो सिटी की डाइवर्सिटी है या फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, वो अनकनेक्टेड है, उतना मतलब कनेक्शन नहीं है जैसे कि मैंने बात की। उसके बाद यहाँ पे एक और जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि अर्बन एरिया में ना जो इंसान जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिस प्रकार का वो जॉब कर रहा है, जिस प्रकार का उसका इनकम है उस जॉब से, या जिस प्रकार का इंटरेस्ट है, ठीक है, और जिस प्रकार की उसकी ड्यूटीज हैं, और हम कल्चरली भी बात करें और स्पेशली भी बात करें, वो सारी चीज़ें ना एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं। हम जॉब अपने बिना मन के कर रहे हैं, अपने मन के बिना मतलब जो पसंद नहीं उस एरिया में रह रहे, दूर दूर तक हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, अपना इंटरेस्ट नहीं, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए, ये सब भी इशूज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली इनका वो है। और भी चीज़ें बात करते हैं कि कई सारे इकोलॉजिकल सेग्रीगेशंस भी हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब जब भी सेग्रीगेट या सेग्रीगेशन वर्ड आया मतलब डिवाइड है, कोई एथनिक मतलब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ हैं, गरीब लोग एक तरीके से, मिडिल क्लास मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, स्लम्स एक तरफ है, मिडिल क्लास एरिया एक तरफ है, इस तरीके से। हर्ट की जो स्टार थ्योरी है, मैंने स्टार आपको बना दिया है, इसमें सिंपली ये बात करते हैं जो सिटी है और उसका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो स्टार के शेप में इवॉल्व होता है, बस इसमें इतना ही है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए।